हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं अभिषेक आनंद अपने चैनल लर्न एंड अर्न में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के वीडियो में आपको मैं बताऊंगा दोस्तों कि ज्वाइंट अकाउंट में आप इंटरनेट बैंकिंग ले सकते हो या नहीं ले सकते हो, क्योंकि आपके मुझे कमेंट्स मिले हैं इससे बारे में और मैं आपको इसमें बताने वाला हूँ। और किसी नए टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो कमेंट कर सकते हैं। मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ कि इंटरनेट बैंकिंग अकाउंट आप कैसे ओपन कर सकते हैं। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का मैंने बताया था आपको, लेकिन आपका फिर क्वेश्चन आया कि ज्वाइंट अकाउंट में ले सकते हैं कि नहीं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, तो मैं इसके बारे में भी आपको जो है यहाँ पर बता देना चाहता हूँ। देखिए, ज्वाइंट अकाउंट का मतलब क्या होता है कि एक अकाउंट में एक या एक से अधिक एक या एक से अधिक लोग जो है अकाउंट होल्डर होते हैं। मतलब कि एक बैंक अकाउंट है, उसमें वो मेरा भी अकाउंट है, मेरे फादर का भी अकाउंट है, मेरे मदर का भी अकाउंट है, ठीक है। तो एक से ज़्यादा लोग उसमें हो सकते हैं। तो उसमें भी जब ज्वाइंट अकाउंट खुलता है तो फर्स्ट अकाउंट होल्डर होता है, सेकेंड अकाउंट होल्डर होता है, जितने होंगे उस टाइप से उसको बांट दिया जाता है। तो जनरली फर्स्ट अकाउंट होल्डर जो होता है उसको ज़्यादा प्रायोरिटी मिलता है, उसका वेटेज ज़्यादा होता है, मतलब ज़्यादा हिम्मत वाला, शक्तिशाली, आसान लैंग्वेज में बता सकते हैं। तो ज्वाइंट अकाउंट में इंटरनेट बैंकिंग ले सकते हैं कि नहीं? बिल्कुल ले सकते हैं, क्यों नहीं लेंगे, बिल्कुल ले सकते हैं, बिल्कुल आप बना सकते हैं, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाला है आपको। ऑनलाइन तरीका मैंने बताया था इंटरनेट बैंकिंग कैसे ओपन करना है अपना अकाउंट। आप ऑनलाइन स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में अगर मान लीजिए अकाउंट है तो उसमें आप खोल सकते हो, किसी दूसरे बैंक में है तो बिल्स में भी खोल सकते हो। ऑनलाइन खोलना है तो उसके बैंक के ऑफिशियल वेबसाइट पर जाके आप अपना आराम से खोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ऑनलाइन अगर आप खोल रहे हो, सारा प्रोसेस करने के बाद जो है सिंपल आपको क्या करना है, जो आपका एक फॉर्म होता है उसको डाउनलोड करके बैंक में ले जाके अपना अप्रूवल करवा लीजिए, आपका इंटरनेट बैंकिंग अकाउंट चालू हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। डायरेक्ट बैंक में जा रहे हैं आप इंटरनेट बैंकिंग अकाउंट खोलने के लिए, ज्वाइंट अकाउंट है तो सारे लोग चले जाइए, जो जो लोग अकाउंट होल्डर है वो जा सकते हैं, या फिर वहां जाके अपना फॉर्म ले आइए, फॉर्म में जो है भर के अपने सारे लोग जो है उसमें सिग्नेचर वगैरह कर दीजिए, जो जो अकाउंट होल्डर हैं वो सारे लोग उसमें सिग्नेचर कर देंगे, हो जाएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है और आपका प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। अच्छा ये होगा कि आप जो भी अकाउंट होल्डर हैं, मान लीजिए दो लोग हैं एक अकाउंट में, तो दोनों लोग बैंक चले जाइए, वहां से जो भी प्रोसेस है, आप इंटरनेट बैंकिंग अधिकारी होते हैं बैंक में, वहां पर उनसे डायरेक्ट मिलिए, उसको फॉर्म दे देंगे, फॉर्म को फिलअप कर दीजिए, आपका अकाउंट जो है 24 से 48 घंटा में चालू हो जाएगा, ठीक है। आपको जो है टेम्प्रोरी यूजर आईडी और पासवर्ड भी मिल जाता है, आप लॉग इन करके अपना फिर से यूजर आईडी और पासवर्ड तुरंत अपना बदल ले लीजिए, वहां पर आपको बदलने के लिए बोलता भी है ना। ऑनलाइन भी कर सकते हैं, ऑफलाइन भी कर सकते हैं बैंक जाके। तो बिल्कुल आपका जो क्वेश्चन था, ज्वाइंट अकाउंट में इंटरनेट बैंकिंग सर्विस ले सकते हैं या नहीं, बिल्कुल ले सकते हैं, आपको किसी भी प्रॉब्लम का सामना नहीं करना पड़ेगा दोस्तों, ठीक है। आराम से लीजिए, ज्वाइंट अकाउंट है तो बिल्कुल करिए। कभी कभी क्या होता है कि सिंगल अकाउंट होता है और बाद में हम किसी अन्य दूसरे पर्सन का उसमें अकाउंट जो है नाम जोड़ देते हैं, ठीक है, तो वो बाद में ज्वाइंट अकाउंट बन जाता है, तो उसमें भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जिस तरह से मैंने आपको इंटरनेट बैंकिंग खोलना बताया था ऑनलाइन और ऑफलाइन, आप ठीक उसी प्रक्रिया को पूरा करके अपना बना सकते हैं दोस्तों, कोई दिक्कत नहीं है आपको। यहाँ पर आई बटन में बैंकिंग और इंटरनेट बैंकिंग रिलेटेड वीडियो का लिंक मैं दे दूंगा, सारा वीडियो वॉच कीजिए, आपका पूरा नॉलेज जो है बढ़ता रहेगा, ठीक है। और यह वीडियो जो है आपको जो है कैसा लगा है दोस्तों, आप जो है कॉमेंट करके मुझे बताइएगा, कोई क्वेश्चन होगा, डाउट होगा तो कॉमेंट कीजिएगा, और किसी नए टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो भी कॉमेंट कीजिएगा। बड़ा मेहनत करके वीडियो बनाता हूँ, प्लीज सपोर्ट कीजिए, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे व्हाट्सअप और टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन कीजिए, सोशल लिंक्स को जरूर फॉलो करें दोस्तों। और मुझसे अगर फोन पर कोई क्वेश्चन पूछना है तो एक एप्लीकेशन है, गूगल प्ले से इंस्टॉल कर लीजिए, ऐप स्टोर से इंस्टॉल कर लीजिए, एप्लीकेशन का नाम है कॉल मी फॉर एप्लीकेशन, ठीक है, इंस्टॉल कर लीजिए और मेरे व्हाट्सएप टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल को दबा दें, वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, क्वेश्चन डाउट एडवाइस वीडियो के नीचे कमेंट में डालिए, मेरे लेटेस्ट वीडियो को सबसे पहले वॉच करने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। बहुत बहुत आपका दिल से धन्यवाद।